हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान सीईटी 10+2 स्तर का जो पेपर लगा है 4 फरवरी 2023 को द्वितीय पारी का, उसकी दोस्तों बिल्कुल शुद्ध आंसर की है वो आज आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप अपना स्कोर है वो चेक कर सकते हैं और आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए भी दोस्तों ये पेपर देना है, देखना है वो अत्यंत आवश्यक है। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहां पर देखिए आंसर की पहला प्रश्न है, देखिए RH कारक एक प्रतिजन है जो कि किसकी सतह पर स्थित होता है, बताइए। तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लाल रुधिर कण, ठीक है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, लाल रुधिर कण, ठीक है। आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न है, जब एक प्रणाली में इनपुट प्रोसेस व आउटपुट पहले की तरह पूरी तरह ज्ञात है वह प्रणाली कहलाती है, बताइए। जब एक प्रणाली में इनपुट प्रोसेस व आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात है वह प्रणाली कहलाती है, तो दोस्तों वो कहलाती है नियतात्मक कहलाती है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए यहां पर तीन नंबर का प्रश्न है, देखिए सर्कुलर शब्द है, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा दोस्तों परिपत्र। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर परिपत्र। चार नंबर का प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेमी स्क्वायर है तब इसका परिमाप है, तो दोस्तों तब इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होगा 30 सेमी। कितना होगा? 30 सेमी। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 30 सेमी। आगे देखिए, देखिए रूमेटाइड ऑर्थराइटिस एक रोग है, तो दोस्तों ये कौन सा रोग है, राइट आंसर हो जाएगा सव प्रतिरक्षित रोग है दोस्तों, ये राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सिक्स नंबर का प्रश्न है, यहां पे डीएनए और आरएनए के शर्करा अणु में अंतर है, बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए 2 सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन का अभाव, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी फास्फोरस चक्र की एक कड़ी है, तो वो है दोस्तों गुआनो। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर गुआनो। आठ नंबर का प्रश्न है, एनी काइंड ऑफ लेटर जनरली एंड्स विथ, दोस्तों बताइए किसके साथ में खत्म करते हैं लेटर को, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है दोस्तों सब्सक्रिप्शन के साथ में, यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है, तो कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रेजेंटेशन व्यू, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दस नंबर का प्रश्न है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट एस को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है कहलाती है, तो दोस्तों वो क्या कहलाती है, राइट आंसर हो जाएगा इसको निस्तापन कहते हैं दोस्तों, यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर निस्तापन। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 8 जिलों में, यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 8 जिलों में। आगे देखिए दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है, तो दोस्तों ये छाल से प्राप्त होती है, यहां पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही, छाल से। आगे देखिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा किसने की थी, तो ये की थी दोस्तों अशोक मेहता समिति ने, यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अशोक मेहता समिति। आगे देखिए दोस्तों यहां पर देखिए टेन थीटा बराबर क्या होगा, दोस्तों यदि कोस थीटा बराबर ए बटा बी तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, दोस्तों इसमें टेन थीटा बराबर क्या होगा, इसमें हो जाएगा दोस्तों रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए, यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए चारकोल शुद्ध पदार्थ से रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है यह किस प्रक्रम के द्वारा कार्य करता है, तो दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑक्सीकरण के, यहां पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहां पर ए तथा बी की मासिक आय में 4:3 का अनुपात है, दोनों में से प्रत्येक 600 रुपये बचाता है, यदि उनके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात 3:2 हो तो बी की मासिक आय होगी, तो दोस्तों बी की मासिक आय है जिसने भी 1800 रुपये किए हैं उन सभी का सही है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए किस शब्द में
समाज संबंधी अशुद्धि है। समाज संबंधी अशुद्धि है तो दोस्तों ये नवरात्रि में दोस्तों समाज संबंधी अशुद्धि है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है मेवाड़ चित्रकला से संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पार्ले बिस्किट की फैक्ट्री है निमराणा अलवर में है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आहड़ के उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? यह HD साकलिया के नेतृत्व में संपादित हुआ था। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है दोस्तों मकालू। याद रखना मकालू। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, द पीरियड ऑफ लाइफ इन विच ए पर्सन इज ओल्ड एंड वीक। तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डोटेज। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डोटेज। आगे देखिए, यहां पे देखिए, Fe+ ion की संरचना है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वर्ग पिरिमिडिए। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, दस्त के लिए उत्तरदायी ई कोलाई जीवाणु होते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ग्राम ऋणात्मक। यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ग्राम ऋणात्मक। नेक्स्ट आगे देखिए, नेहा अपने विद्यालय से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती है, तब वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, वह किस दिशा में जा रही है? दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पूर्व दिशा में जा रही है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे? तो वो थे दोस्तों ID दुआ। यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ID दुआ। आगे देखिए, डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन CPU को उपलब्ध कराने में लगता समय कहलाता है। तो दोस्तों बताइए वो क्या कहलाता है लगता समय? तो वो एक्सेस टाइम कहलाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एक जलीय परितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक है, तो वो क्या है सीमा कारक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर प्रकाश। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रकाश। आगे देखिए, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठक अनिवार्य है? तो दोस्तों कितनी न्यूनतम बैठक अनिवार्य है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें न्यूनतम 2 बैठक अनिवार्य है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए, टेंडर्स शुड बी रिटन इन ए लैंग्वेज दैट इज। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। तो यहां पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एक व्यक्ति 10 रुपए के 11 पेन की दर से पेन खरीदता है तथा 11 रुपए के 10 पेन की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों इसमें 21% लाभ हो जाएगा। इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वो है दोस्तों वर्षा का समान वितरण। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये CPU के द्वारा होता है। किसके द्वारा? CPU के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहां पर रूट देखिए, यहाँ पे 772,641 का मान है। तो दोस्तों ये किसका मान है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें ये 879 का मान है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है इसमें? तो दोस्तों इसमें हम है, वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें। ठीक है, आगे देखिए, लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर देता है, तो वो क्या देता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, लिथियम देखिए यहाँ पे Li2O और CO2। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है, तो वो शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह हो जाएगा दोस्तों इसमें श्रमिक परिवार की लड़कियां व महिलाएं। यहां पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कैलाश सांकला संबंधित है, तो दोस्तों ये बाघ संरक्षण से संबंधित है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहां पर दोस्तों देखिए, कार्तीय निर्देशांक सत्र में लेंस का सूत्र है, तो दोस्तों इसमें लेंस का सूत्र हो जाएगा इसमें दोस्तों ये हो जाएगा V- लगेगा इसमें। ठीक है, तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तुरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जाना जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एन के किस मान के लिए X+A, XN+AN
का एक गुणनखंड होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एन के केवल विषम मानों के लिए, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुनहरा चावल का उत्पादन लोगों में किसकी कमी को कम करने के लिए किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी को कम करने के लिए, यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है, तो दोस्तों राइट आंसर 100 दिनों का, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, तो दोस्तों गलत इसमें सिंहथल हरिवंश जी, ये गलत दे रखा है दोस्तों इसमें, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए, सी सेड वी वर थिंकिंग ऑफ सेलिंग द हाउस बट वी हैव डिसाइडेड नॉट टू, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें हैड बीन का प्रयोग होगा, ठीक है हैड बीन का, तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अमर काव्य वंशावली के लेखक कौन है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रणछोड़ भट्ट। नेक्स्ट, किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है, तो दोस्तों इसमें देखिए आदिकांत हो जाएगा, यहाँ पे प्रारंभ लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सा शब्द शुद्ध है, तो दोस्तों इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसमें गुरुता शब्द है वो शुद्ध है, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको कहते हैं विषम युग्मज, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पेसिव कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर देखिए एवरीवन कॉल्स हिम ए पेसमेकर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही इज कॉल्ड ए पेसमेकर, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, वह बताइए कौन से मुख्यमंत्री थे, तो दोस्तों वो 33वें मुख्यमंत्री थे, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 53 नंबर प्रश्न है, 16 सेमी व 12 सेमी भुजाओं वाले किसी आयत के परितः एक वृत्त खींचा गया है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल इसमें 100 पाई सेमी स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स का उदाहरण है, तो वो है दोस्तों XOR, तो यहां पर अपना डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न संचयी आवर्ती वक्र से माध्यिका प्राप्तांक है, तो दोस्तों वो प्राप्तांक है इसमें 35, ठीक है यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा किस में है, तो दोस्तों मित्रता में भाववाचक संज्ञा है। आगे देखिए, गोगा जी का जन्म स्थान है, तो वो है दोस्तों चूरू ददरेवा, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। निम्न में से राजस्थान का अक्षांश से विस्तार है, तो वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, माही कंचन एवं माही धवल किस फसल की किस्में हैं, तो दोस्तों ये मक्का की किस्में हैं, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है, तो वो है दोस्तों विक्रमएस, ठीक है क्या हो जाएगा विक्रमएस। आगे देखिए, युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है, तो दोस्तों इसमें भविरे समास है, युद्ध में स्थिर रहने वाला, ठीक है यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिवालिक ढाल के समानांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली संकरी पट्टी जानी जाती है, तो दोस्तों ये बाबर के नाम से जानी जाती है, ठीक है बाबर के नाम से। आगे देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके अध्यक्षता में 1938 में हुई, तो दोस्तों बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुई थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है। आगे देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा, तो दोस्तों ये तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट यानी कि नौका रेस आयोजित की गई थी, तो यह केरल में की गई थी, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 101 का घनफल है, 101 का घनफल है, तो वो है दोस्तों 10 30 301, यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे दोस्तों फैजल अली, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग, दोस्तों यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग दोस्तों क्लिप आर्ट पिक्चर्स जोड़ने के लिए किया जाता है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ये दोस्तों एक उदाहरण है, ठीक है ये उदाहरण किसका है, तो दोस्तों ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 70 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए
यहाँ पर रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए, रोमा का स्थान बाईं ओर से क्या होगा, जिसने भी बारवा स्थान किया है उन सभी का सही है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है, तो दोस्तों यहाँ पे शंकु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, शंकु। नेक्स्ट, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के विक्षेपण में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है, तो दोस्तों वो बैंगनी होता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बैंगनी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं किया जाता, प्रत्यक्ष चुनाव से नामांकन से दोनों से किया जाता है, तो इसमें दो और तीन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे खाली स्थान भरना है, इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है, द टीचर टोट अस दैट द अर्थ राउंड, तो दोस्तों इज में इसमें इज का प्रयोग होगा, इसमें किसका इज का प्रयोग इसमें होगा, ठीक है। आगे देखिए, एंटोनियम यानी कि विलोम शब्द अपने को यहां पर बताना है, एनकरेज, ठीक है, एनकरेज का क्या हो जाएगा, तो दोस्तों डिस्करेज हो जाएगा, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। अन्वेक्षण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों अनु प्लस एषण, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सा रक्त प्रकार सार्वभौमिक दाता होता है, तो दोस्तों यहाँ पे सार्वभौमिक दाता है वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ओ नेगेटिव, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है, तो वो है दोस्तों आग लगने पर कुआं खोदना, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आगे देखिए, शेषफल ज्ञात करने के लिए एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन प्रयोग में लेते हैं, तो दोस्तों इसमें मोड वाला फंक्शन है वो उपयोग में लेते हैं, राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, अनुपात 4:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह अनुपात 5:6 के बराबर में हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें एक जोड़ लीजिए, हो जाएगा दोनों में, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला है, तो वो दोस्तों पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत तीनों है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा, दिए गए सभी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 16 पाई मीटर क्यूब तथा ऊंचाई 12 मीटर है, उसके आधार का व्यास है, तो दोस्तों उसका आधार का व्यास कितना हो जाएगा, 4 मीटर, ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, एक कार्य को आदेशों की श्रृंखला में अनुवाद करने की एक प्रक्रिया है, जिसे कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपाय करेंगे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोडिंग, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जानकारी को संचार माध्यम चैनल पर भेजने की दर कहलाती है, तो दोस्तों वो क्या कहलाती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको कहते हैं विट रेट कहते हैं उसको, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी वस्तु यानी कि किसी बिंब का छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्तल, ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उत्तल। आगे देखिए, डायमंड है, डायमंड क्या है, तो ये कार्बन का अपर रूप है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी निर्माणाधीन है, तो दोस्तों ये सीकर में निर्माणाधीन है। आगे देखिए, अपाद मस्तक शब्द के लिए एक सार्थक वाक्यांश है, तो वो है दोस्तों पैर से सिर तक, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 150 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से दो नावों का अवनमन कोण 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है, नावों के मध्य की दूरी क्या है, यदि नाव चट्टान के विपरीत दिशा में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100√3, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा, तो वो करेगा दोस्तों पेरिस, राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, एक शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है, यदि जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या 85,000 है, तय जन्म दर है, तो दोस्तों 100 करोड़ में, 1 करोड़ में दोस्तों 85,000 का भाग दे लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा इसमें 8.5, यहाँ पर अब इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रतिहार शासक किसके शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुमलमाला की रचना हुई, राइट आंसर हो जाएगा वत्सराज, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आगे देखिए, राजस्थान के जिलों में कितने जिले मरुस्थलीय हैं, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें 12 जिले हैं वो मरुस्थलीय है, यहाँ पर बी सॉरी सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए,
यदि एक कूट भाषा में सी आर ई डब्ल्यू को छियानवे लिखा जाता है और यहाँ पे कोट को 154 लिखा जाता है, तो यहाँ पे देखिए क्रेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो कोट दिया हुआ है जिस संख्या जिस शब्द का, जैसे सी का 3 है, आर का 18 है, तो इन सभी को जोड़ के डबल करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 94। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा 94। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहां पे जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो वो है कथक। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे देखिए इसमें 97 नंबर प्रश्न है, देखिए पैन विल डू, तो दोस्तों इसमें एनी का प्रयोग होगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 14 वर्ष का विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे हुए प्रश्नों को 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता, ठीक है ये प्रश्न है, तो इसमें कौन सा लेंस उपयोग करना होगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। ठीक है, यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा का कार्य है, तो दोस्तों रूडा का कार्य क्या है, गैर कृषि क्षेत्र का विकास करना, यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 7 से 8 अक्टूबर 2022 को किस शहर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में, यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जानकीलाल किस लोक कला से संबंधित है, तो दोस्तों ये बैरूपिया कला से संबंधित है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। निम्नलिखित किलों में से किसे बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 से नवाजा गया, तो दोस्तों ये कुंभलगढ़ को नवाजा गया, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। किशनगढ़ की फलकुबाई किस नृत्य से संबंधित है, तो दोस्तों ये चरी नृत्य से संबंधित है। आगे देखिए सबऑर्डिनेट का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा अधीनस्थ, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची कहलाता है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रतिबंधन एंजाइम। ठीक है, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 1857 की क्रांति में यानी कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महाराव कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी, तो ये करौली ने भेजी थी दोस्तों। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी, तो दोस्तों ये बगरू में रखी है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर बगरू। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा आना चाहिए, तो दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर एक छोड़ के एक आप चलोगे तो दोस्तों यहाँ पे एफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता किसे माना जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ट्रांसलेट करना है वुमन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है औरतें पुरुषों से ज्यादा जल्दी अंग्रेजी सीखती है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्रथम दो समस्या आकृतियों के बीच एक निश्चित संबंध है, तो यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए इसमें 5 कोण है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है सॉरी इसमें 6 है, तो इसमें कितने हो गए, एक कम हो गया, इसमें 5 हो गया, अब इसमें 4 है तो इसमें 3 हो जाएगा। ठीक है, तो और ये जो गोला है ये डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये चेन्नई में स्थित है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 56 का मैदान स्थित है, ये तो सभी को पता होगा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच स्थित है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। कपिल आम खाता है वाक्य में क्रिया है, तो ये सकर्मक क्रिया है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है, तो दोस्तों ये 8वां क्रम है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए लुप्त संख्या अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है, लुप्त संख्या कौन सी आएगी यहाँ पर अपने को बताना है, 25, 12 और 15 दे रखा है, 25 × 12 कर लीजिए, उसमें 15 का भाग दे लीजिए, 20 आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए करेक्ट प्रीपोजिशन अपने को यहाँ पर बनना है, ही टुक एजेज द जॉब, तो इसमें ओवर द जॉब आएगा, इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन सा जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यदि एक त्रिभुज में दो शीर्षों के सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब समान हो
त्रिभुज है, तो दोस्तों वो कौन सा है, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये लोक से संबंधित क्वेश्चन है, लोक 27 एक्स बराबर 1/6 तब एक्स बराबर है, तो दोस्तों एक्स बराबर इसमें 9 होगा, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए बाजूबंद आभूषण पहना जाता है, तो ये हाथ में भुजाओ पर पहना जाता है दोस्तों ये बाजूबंद आभूषण। आगे देखिए वो स्थिर उपग्रह घूमता है, तो ये स्थिर ऊंचाई पर घूमता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए गोवा में आयोजित IFFI भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किसे वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें चिरंजीवी, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान के किस जिले में हेवल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है, हेवल्स इंडिया की जो फैक्ट्री है वो दोस्तों कहां पर है, तो दोस्तों ये फैक्ट्री है अलवर में, यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न है, फैटी यकृत होता है, तो दोस्तों ये क्वार श्योर कोर में होता है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है, शून्यकाल का आशय है दोस्तों शून्यकाल का आशय क्या है, प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बगैर कोई विषय उठाते हैं, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नांकित में से किसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा अधिसूचना, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। एक लीटर में कितना प्रतिशत 200 मिली है, तो दोस्तों 200/1000 कर लीजिए, राइट आंसर इसमें 20% हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नांकित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है, तो दोस्तों सालर के वृक्ष आते हैं, ठीक है सालर के वृक्ष का जो गोंद है वो सर्वाधिक उपयोगी भी रहता है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण से, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह 8 गुनी हो जाएगी, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 45 वर्षों में, ठीक है यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स एंड नियोने टोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी, तो दोस्तों ये JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर में, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 134 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रिट याचिका पेश कर सकता है, तो दोस्तों ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में पेश कर सकता है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चंबल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वे है, तो दोस्तों ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है, तो दोस्तों यहां पर देखिए सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है, ठीक है तो यहाँ पर देखिए राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सूचना एकत्रित करने हेतु समाशोधन गृह संबंधी सेवा करना, ठीक है तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत सामंत ने शरण दी थी, तो दोस्तों जोध सिंह ने शरण दी थी, ठीक है यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए ये पोइम से संबंधित क्वेश्चन है इंग्लिश ग्रामर का, व्हाट डज द वर्म, दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट एंड डेकी, तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया, 9 सितंबर 2022 को किया गया। नेक्स्ट आगे देखिए निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है, तो जड़ूला संस्कार है ये जन्म से संबंधित है। आगे देखिए विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप मांजुली द्वीप है और ये कहां पर है, तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी में है ये, ठीक है यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों अंतिम क्रिया को रिपीट या रीडू करने के लिए किया जाता है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है, तो दोस्तों अनुच्छेद 200 के तहत, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है, तो दोस्तों ये माउंट आबू में।
नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है, तो दोस्तों वो राखी गड्डी में बनने जा रहा है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वी लुकअप फंक्शन का कार्य करता है, दोस्तों वी लुकअप फंक्शन कार्य करता है तो दो सेल्स को एकदम समानता के लिए देखता है, ये यहाँ पर अपना सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता फर्स्ट रनर अप रही, राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है दोस्तों रूबल शेखावत, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का कारण है, तो वो क्या है, तो वो है अनियमित वर्षा, राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो दोस्तों देखिए हाड़ौती क्षेत्र में दे नहीं रखा, तो स्वाईमाधोपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 23/2 है, प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत क्या है, तो दोस्तों प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत है वो है 9, यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसी के साथ आपको ये जो 4 फरवरी को सेकंड पारी के अंदर जो पेपर लगा है उसकी मैंने आपको बिल्कुल शुद्ध आंसर की है वो बता दी है, आप अपना स्कोर है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।